सरोकार। चंदौली में सामूहिक विवाह का आयोजन, 21 जोड़ों की हिंदू रीति रिवाज से कराई गई शादी। लखनऊ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अंतर्राष्ट्रीय कछुआ तस्कर गिरफ्तार। अंबेडकर नगर में मनरेगा मजदूर संघ का धरना प्रदर्शन, समय पर भुगतान ना करने से परेशान है मजदूर। अलीगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों को कचरा मुक्त बनाने के दिए गए निर्देश, प्लास्टिक के कूड़े की निकाली गई शव यात्रा। रायबरेली में सुंदरीकरण के नाम पर गरीबों का उजाड़ा व्यवसाय, बैरिकेडिंग को लेकर व्यापारियों में भारी आक्रोश। नमस्कार, मैं हूँ ईशा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम उत्तर प्रदेश। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। आईपीएस लक्ष्मी सिंह को नोएडा का पुलिस कमिश्नर बना दिया गया है। बता दें कि नोएडा में कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद आलोक सिंह नोएडा के पहले कमिश्नर बनाए गए थे। 3 साल के लंबे कार्यकाल के बाद अब आलोक सिंह को लखनऊ भेज दिया गया है। तो वही अब पहली बार महिला अधिकारी के हाथ ये कमान आएगी। बता दें कि ये नोएडा में पहली बार होगा जब पूरे जिले की कमान किसी महिला अधिकारी के पास होगी। इससे पहले आईपीएस लक्ष्मी सिंह मेरठ में डीआईजी का पद पर भी तैनात रह चुकी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने आराधना महोत्सव का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि आलोपी बाग मोहल्ले के पास शंकराचार्य आश्रम में आराधना महोत्सव का आयोजन किया गया। राम मंदिर तीर्थ यात्रा के ट्रस्ट वरिष्ठ सदस्य और ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी वासुदेव नंदन सरस्वती द्वारा आयोजित किया गया। स्वामी वासुदेव नंदन सरस्वती ने संघ प्रमुख मोहन भागवत का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। वहीं संघ प्रमुख को राम मंदिर मॉडल स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केसरी नंदन त्रिपाठी भी वहां मौजूद रहे। संघ प्रमुख ने कार्यक्रम के दौरान पुस्तक का भी विमोचन किया। इस मौके पर साधु संत समेत आरएसएस और बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। चंदौली में शहाबगंज ब्लॉक में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस आयोजन में 21 जोड़ों की हिंदू रीति रिवाज से शादी कराई गई। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष छात्रबली सिंह ने प्रत्येक वर वधु जोड़ों को 30,000 रुपये का उपहार दिया और डीएम ईशा दुहन ने सभी जोड़ों को आशीर्वाद दिया। डीएम ईशा दुहन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जो भी पात्र व्यक्ति है वो अपने अपने ब्लॉक में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में आवेदन कर सकते हैं। सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जनपद चंदौली में साहबगंज ब्लॉक में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें लगभग 21 जोड़े हैं जिनकी आज शादी यहां पे कराई जा रही है। ये जो योजना है इसके अंतर्गत 35,000 लगभग सीधे जो लड़की है, जो वधु है, उसके अकाउंट में जाता है। 10,000 का सामान दिया जाता है, जिसमें विभिन्न सामान रहते हैं जो सरकार की तरफ से दिया जाता है। ये सामूहिक शादी के आयोजन हर साल सरकार द्वारा किया जाता है। तो हम लोग द्वारा जिला पंचायत के माध्यम से, क्षेत्र पंचायत के माध्यम से उसके वर्षों के मान लेके और अच्छा करने का पूरा प्रयास किया जाता है। लखनऊ जोन 3 में लगातार अवैध तरीके से बिल्डिंगों का निर्माण कराया जा रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ विकास प्राधिकरण के वीसी इंद्रामणि त्रिपाठी, जिनकी ईमानदारी की लोग कस्मे खाते थकते नहीं हैं, वहीं दूसरी ओर उनके जूनियर अधिकारी लगातार
पारा काकोरी क्षेत्र के अंतर्गत अवैध बिल्डिंग बनवाने वालों को खुलेआम शरण दे रहे हैं। आपको बता दें कि विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी राजीव कुमार को किसी जानकारी देने और लेने हेतु फोन किया गया तो उनका फोन नहीं उठा। अगर किसी कारणवश फोन उठ भी जाता है तो गोलमोल जवाब देकर राजीव कुमार फोन काट देते हैं। एलडीए के ही अधिकारी अपने वीसी इंद्रामणि त्रिपाठी के आदेशों की लगातार धजिया उड़ा रहे हैं। ध्वस्तीकरण करने के आदेशों के बाद भी लगातार हो रहा है निर्माण कराया जा रहा है। लखनऊ में एसटीएफ को सफलता मिली है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कछुओं की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। वहीं पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने 155 कछुओं को भी बरामद कर लिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रायबरेली में बछरावा कस्बे के फ्लाईओवर के नीचे नगर पंचायत द्वारा लगाई जा रही बैरिकेडिंग को लेकर व्यापारियों में भारी आक्रोश है। आपको बता दें कि जब से बछरावा कस्बे का ओवरब्रिज बना है तब से सैकड़ों गरीब ठेलों पर अपना व्यवसाय अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन नगर पंचायत द्वारा सुंदरीकरण के नाम पर गरीबों का व्यवसाय उजाड़ रही है, जिसको लेकर की सैकड़ों व्यापारियों ने नगर पंचायत का घेराव किया। फिलहाल नगर पंचायत अध्यक्ष शिवेंद्र सिंह ने मौके पर काम बंद करने के लिए कहा है और सभी व्यापारियों को आश्वासन दिया है। सैकड़ों लोग इसलिए आए हैं कि पुल के नीचे जो और ब्रिज है, और ब्रिज के नीचे फुटपाथ पे कई सालों से जब से बना हुआ है जी, वो सब फुटपाथ पे ठेलिया लिए अपना जमीन लगा के जी, अपनी रोजी रोटी चला रहे, किसी तरीके पेट पाल रहे जी, गरीब आदमी बिना उनको किसी तरह सूचित किए हुए जी, उनकी सब दुकानें हटा के फेंकी जा रही हैं जी, और उसके नीचे बता रहे सुंदरीकरण होगा जी, रेलिंग लगा रहे हैं जी। इसीलिए सैकड़ों लोग आज हम यहाँ टाउन एरिया में आए हैं जी। तो नगर अध्यक्ष जी ने क्या आश्वासन दिया है? नगर अध्यक्ष जी ने बताया है कि यो साहबाद मीटिंग में कल फिर आइए, कल आप लोगों की बात सुनी जाएगी। हरदोई में तिलक चढ़ाकर वापस लौट रही दुल्हन के घर वाले हादसे का शिकार हो गए। उनकी कार बेहटा गोकुल थाने के मस्तीपुर पुलिया के पास खाई में जा गिरी, जिस पर सवार तीन लोगों का मौत हो गई जबकि तीन लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। तो वहीं ग्रामीणों ने बताया कि कार शराब नशे में था, वहीं हादसे के बाद वो फरार हो गया है। वहीं पुलिस चालक को पकड़ने में जुट गई है। ये एक सफारी कार से 9 लोग बेटा धीरा में तिलक चढ़ाकर ये वापस सांडी अपने गांव जा रहे थे, और ये बेटा धीरा के आगे थोड़ा जाकर एक नेवादा गांव पड़ता है जो बेटा गोकुल थाना क्षेत्र में ही है। वहां अनियंत्रित होकर सफारी कार पलट गई जिसमें कुल 9 लोग घायल हुए थे। घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया था, जिसमें से 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें 2 पुरुष और 1 बालिका नेहा 9 वर्ष की है। क्या कार्रवाई की जा रही है? जो मृतक हैं इनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है और इसमें विधिक अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देवरिया में पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के निर्देशन पर क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में भाटापार रानी के जासूई के पास से 40 की पेटी शराब बरामद की गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अभियुक्त मकसूद का ग्राम कल्याणपुर जनपद गोपालगंज का रहने वाला बताया जा रहा है। औरैया में ककौर मुख्यालय पर कानपुर आयुक्त डॉक्टर राजशेखर पहुंचे। वहां मुख्यालय के रिकॉर्ड रूम समेत कई जगहों का अवलोकन किया गया। अवलोकन के बाद जिलाधिकारी समेत जिम्मेदारों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए और जिला मुख्यालय में वृक्षारोपण भी किया गया। कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर ने IGRS प्रणाली में सुधार लाने और अधिकारियों को क्रॉस चेक करने व शिकायतकर्ताओं की शिकायतों के शीघ्रता से निस्तारण के भी निर्देश दिए और कहा कि ग्राम समाज की जमीन, तालाबों और सरकारी गड्ढों को चिन्हीकरण करें, उन्हें उपयोग में लाकर विकास किया जाएगा।
आपके जनपद में आज आए हुए हैं, ये वार्षिक निरीक्षण होता है कमिश्नर का, वो कलेक्ट्रेट के जितने भी पटल होते हैं उसका विस्तृत रूप से वो निरीक्षण भी करते हैं और वहाँ के अधिकारियों से वार्ता भी करते हैं इस पर। और इसके साथ साथ जो शासन के महत्वाकांक्षी जो योजनाएँ होती है, चाहे भारत सरकार का हो, उत्तर प्रदेश सरकार का हो, उसका भी हम लोग एक ब्रीफ में रिव्यू करते हैं। उसका रिव्यू करने के उपरांत ये भी देखते हैं कि कुछ जो है ऐसे कुछ काम, इनोवेटिव काम जो जहाँ पे कि पब्लिक के लिए बहुत ही बेहतर लाभदायक हो, तो उसका भी हम लोग जो है उसमें निरीक्षण करते हैं। तो आज हम लोगों ने अभी पिछले एक डेढ़ घंटे में कलेक्ट्रेट का बहुत सारे पटलों का विस्तृत रूप से निरीक्षण किया है। अंबेडकर नगर में अपनी मांगों को लेकर मनरेगा मजदूर संघ द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। मजदूरों को समय पर भुगतान न मिलने और मूलभूत सुविधा न मिलने से परेशान मजदूरों ने धरना प्रदर्शन किया। मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन जिला अधिकारी को दिया है। मांगे ना पूरी होने पर उग्र प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी है। 13 है और हम लोग चाहते हैं 413 हो, जो है बढ़कर हो, हम बढ़ाया जाए मानदेय। तो इन्हीं सब की वजह से हम लोग आए थे यहाँ पे भी। ये हमारे सब पूरे जिला के पदाधिकारी लोग हैं, ब्लॉक के पदाधिकारी लोग हैं। हम सब लोग की ये मांग थी कि हम लोग कलेक्ट्रेट पर आए और अपना ज्ञापन सौंपे, मुख्यमंत्री जी को जाएगा ताकि उनको भी जानकारी हो कि मजदूरों की व्यवस्था और सुरक्षित और सही ढंग से वो अपना लालन पालन कर सके, उनको पैसा बढ़ाया जाए। अपेक्षा थी भारतीय जनता पार्टी से, ये अपेक्षा थी। अब हमारी स्वेच्छा, हमारे कार्यकर्ता और जनता करे। क्या लग रहा है, क्या वजह रही है, मतलब क्या डर गए चुनाव में एक हुए इसलिए? अब देखिए, डिंपल की जीत और बढ़ेगी और इनकी हार, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हार और बड़ी होगी। अलीगढ़ में आज़ादी के अमृत महोत्सव के चलते और स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन को जिले भर के समस्त गाँव को कचरा और प्लास्टिक मुक्त बनाने के निर्देश दिए गए थे। तो वहीं सरकार की ओर से प्राप्त निर्देशों के चलते जिला प्रशासन और नगर निगम सभी ग्रामीण क्षेत्रों को कचरा और प्लास्टिक मुक्त बनाने के प्रयास में लगा हुआ है। उसी क्रम में आज ग्रामीण क्षेत्रों से नगर निगम और A2AZ कंपनी ने गांव और घर से प्लास्टिक एकत्रित कूड़े को सौंपा गया। वहीं शव यात्रा को अलीगढ़ जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने हरी झंडी दिखाई है। देखिए, जनपद अलीगढ़ में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत जन जागरूकता फैलाने का कार्य शुरू हो गया था 15 अगस्त जो इस वर्ष पड़ा था, आज़ादी का अमृत महोत्सव, और उसके क्रम में सभी गांव में कचरा बैंक बनाया गया था जिसमें प्लास्टिक कचरे को अलग से इकट्ठा करने का एक प्रोग्राम था। इसके अलावा गांव के स्कूल में, गांव के पंचायत घर में और गांव की जो पंचायत है उसकी एक बैठक करके लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया गया था कि आप प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल प्रतिबंधित है, इसलिए इसका इस्तेमाल ना करें। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच।